दोस्तों नमस्कार। आज की थ्योरी में अपने स्किनर की जो थ्योरी कर रहे थे अपने ऑपरेंट थ्योरी, उसको अपने नेक्स्ट करते हैं। और इस वीडियो के अंदर स्किनर की थ्योरी का जो बेस है रीइन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट, उस पर डिस्कस करेंगे कि स्किनर की थ्योरी के अंदर रीइन्फोर्समेंट और पनिशमेंट बेसिकली है क्या, कितने टाइप्स के होते हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो बेस ऑफ स्किनर की थ्योरी है वो है रीइन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट। बेसिकली जो ये है रीइन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट, ये दोनों थोरनडाई के लॉ ऑफ इफेक्ट से कनेक्टेड हैं, और यही दोनों जो पॉइंट हैं वो है स्किनर की थ्योरी के मेन बेस माने जाते हैं। अगर अपने बात करें रीइन्फोर्समेंट की और पनिशमेंट की, तो ये दोनों है क्या क्या। सबसे पहले अपने बात करें कि रीइन्फोर्समेंट है क्या, कि बच्चे के अंदर किसी भी अच्छे बिहेवियर को रिपीट करवाने के लिए जो चीज़ दी जाती है वो कौन सी होती है, रीइन्फोर्समेंट। कि एक बच्चा अच्छा बिहेवियर कर रहा है और हम ये चाहते हैं कि ये बच्चा इस बिहेवियर को दोबारा करें, तो उस बिहेवियर को दोबारा करवाने के लिए अपने रिवार्ड के रूप में किसी चीज़ को देते हैं, तो वो होता है रीइन्फोर्समेंट। यानी कि बच्चे को वो चीज़ लगातार दी जा रही है, उस एक्शन को बार बार रिपीट करवाने के लिए, अच्छे बिहेवियर को करवाने के लिए, तो वो होता है रीइन्फोर्समेंट। इसकी बजाय अगर अपने पनिशमेंट की बात करें, स्किनर की थ्योरी के अंदर पनिशमेंट क्या है कि बच्चे ने एक बुरा बिहेवियर किया है और हम ये चाहते हैं कि जैसे एक बार बच्चे ने ये बुरा बिहेवियर किया और ये बिहेवियर वो आगे अपने फ्यूचर के अंदर दोबारा ना करे और ये बिहेवियर यहीं पर रुक जाए, तो ऐसी किसी चीज़ को देना कि बुरे बिहेवियर को वहीं पर रोकने के लिए जो चीज़ दी जाती है वो क्या कहलाती है, पनिशमेंट। मतलब कि किसी अच्छे बिहेवियर को बार बार करवाने के लिए जो चीज़ दे रहे हैं वो होता है रीइन्फोर्समेंट, और किसी बुरे बिहेवियर को एक बार करने के बाद अपने ये चाहते हैं कि वो दोबारा ना करे और उस वो जो चीज़ दे रहे हैं उस बिहेवियर को वहीं पर रोकने के लिए, तो वो क्या कहलाती है, पनिशमेंट। यानी कि रीइन्फोर्समेंट क्या होता है, इंक्रीज डिजायर बिहेवियर। जो अपने बिहेवियर उस बच्चे से डिजायर करते हैं उस बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए जो चीज़ यूज करते हैं वो होता है रीइन्फोर्समेंट। और पनिशमेंट क्या होता है, डिक्रीज डिजायर बिहेवियर। जो बिहेवियर अपने चाहते हैं कि ये इंक्रीज ना हो बल्कि क्या हो, डिक्रीज हो, यानी कि ये बिहेवियर आगे फ्यूचर के अंदर ना हो, तो उसके लिए जो चीज़ यूज़ करेंगे वो क्या होगी, पनिशमेंट होगी। ये दोनों ही जो पनिशमेंट और रीइन्फोर्समेंट की अपने बात करें, ये दोनों ही दो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट्स और नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट। और यहीं पर पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव के अंदर तो क्या होता है, अभी किसी भी चीज़ को अपने ऐड करते हैं, जबकि नेगेटिव चीज़ के अंदर क्या होता है, किसी भी चीज़ को अपने वहाँ से अपने टेकन अवे करते हैं, उससे लेते हैं या फिर उससे उस चीज़ को रिमूव करते हैं, दूर करते हैं। और डिटेल की बात करें, स्टिमुलस प्रेजेंट यानी कि पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, और यहाँ पे रिस्पॉन्स रेट। अगर अपने इसकी बात करें पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट की और पॉजिटिव पनिशमेंट की, तो इन दोनों के अंदर स्टिमुलस क्या होगा, प्रजेंट होगा, जबकि नेगेटिव री इन्फोर्समेंट और नेगेटिव पनिशमेंट के अंदर स्टिमुलस क्या होगा, एबसेंट होगा। यानी कि स्टिमुलस को वहाँ से रिमूव किया जाएगा, जबकि यहाँ पर स्टिमुलस को ऐड किया जाएगा। रिस्पॉन्स रेट जो होगी, अगर अपने पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट की बात करें या फिर नेगेटिव री इन्फोर्समेंट की बात करें, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी, जबकि पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट के अंदर रिस्पॉन्स रेट क्या होगी, डिक्रीज होगी। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, जैसे पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट की बात करते हैं अपने, जैसे एक बच्चा है वो क्या कर रहा है, जैसे ग्रेजुएशन की बात करें या फिर अपने जैसे सेकंड ग्रेड की बात करें, तो सेकंड ग्रेड के अंदर मतलब वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर कैसे बात करें अपने, तो फास्ट आता है, या अपनी क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर कोई भी है तो अपनी क्लास के अंदर क्या आता है, वो फास्ट आता है। तो उसके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि इसकी जो ये फर्स्ट रैंक की पोजिशन है वो क्या रही, कंटिन्यू रही, हमेशा ये फर्स्ट ही आता रहे। तो इस बिहेवियर को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, या ये चाहते हैं कि ये बिहेवियर बना रहे, तो वो रीइन्फोर्समेंट के रूप में उसको क्या ला के देते हैं, स्कूटी ला के देते हैं। ये इसके लिए रीइन्फोर्समेंट है कि हमारा बच्चा जो है इस बिहेवियर को दोबारा करे, इस अच्छे बिहेवियर को बार बार
करें। लेकिन होता क्या है कि स्कूटी आने के बाद नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट की बात करें तो स्कूटी आने के बाद क्या करते हैं कि जैसे उधर का घूमना स्टार्ट हो जाता है, वो टाइम बिना देखे कभी नाइट को, जैसे एग्जांपल की बात करें, नबी नाइट को मॉर्निंग में अपने फ्रेंड्स के साथ में स्कूटी पे घूमता है, यानी कि स्टडी से उसका ध्यान हट गया और उसका मेन टारगेट किस पे फोकस हो गया, अब स्कूटी पे। तो अब यहाँ पर जो हो रही है डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न उसकी आ रही है, अब यहाँ पर वो क्या है उसकी स्कोरिंग टेस्ट में यानी कम हो गई। तो यहाँ पर जो था पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट जो था, यानी कि उसको कुछ ना कुछ क्या हो रहा है दिया जा रहा है। अब यहाँ पे रीइन्फोर्समेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे ही उसके पेरेंट्स को यह पता लगा भी अब स्कूटी पर वो घूमता है, उसके स्कोरिंग जो है कम आ रही है, तो उसको एक बार क्या कर लिया, स्कूटी को वापस ले लिया और उसको कहा गया कि अगर तेरे टेस्ट में नंबर फुल आए तो तेरे को 2 दिन के लिए स्कूटी दे देंगे। और जैसे ही उसके नंबर फुल आते हैं तो स्कूटी उसको वापस दे दी जाती है, यानी कि एक बार जो ये स्टिमुलस है उसको वहाँ से हटा लिया जाता है, और जब वो अपने टारगेट अचीव कर लेता है तो इस स्टिमुलस को वापस उसको दे दिया जाता है ताकि उसका लेवल बना रहे। अगर अपने पॉजिटिव पनिशमेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव आस्पेक्ट देना होता है। जैसे घर पर कोई गेस्ट आते हैं, इसके अंदर क्या होता है नेगेटिव आस्पेक्ट को देना होता है कि जैसे घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो बच्चा शरारत करता है, या घर में अपने बड़ों के सामने बच्चा जो है वो उल्टा बिहेव करता है, तो उसको क्या है एक चांटा लगाया जाता है। यानी कि वो ऐसा आस्पेक्ट है जो बच्चा अपने खुद की इच्छा से लेना नहीं चाहता, उसको चांटा कौन चाहता है कि उसको चांटा लगाए। तो ये क्या होता है नेगेटिव आस्पेक्ट होता है कि शरारत करने पर बच्चे को चांटा लगाना, कि बच्चा उस चीज़ को डिजायर नहीं करता फिर भी उसको दिया जा रहा है, तो वो कौन सा है पॉजिटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट के अंदर क्या होता है कि इस चीज़ को यहाँ से हटा लिया जाता है, और ये चीज़ कब तक हटाई जाती है, लॉन्ग टाइम के लिए हटाई जाती है, यानी कि स्कूटी देने के बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर वो जहाँ पे उसको टॉप आना चाहिए था वो बिल्कुल क्या हो गया, फेल हो गया। तो घर वालों ने जो रिवार्ड यहाँ पे उसको ला के दिया था वो यहाँ से उसको छीन लेंगे, भाई ये स्कूटी तेरे को तभी मिलेगी जब जहाँ पर तूने ये स्कोर किया था वो का वो स्कोर यहाँ पे करे, यानी कि 1 साल बाद अगर तेरा फर्स्ट रैंक आई तो ही तेरे को वापस मिलेगी। यानी कि नेगेटिव पनिशमेंट के अंदर उस स्टिमुलस को वहाँ से लॉन्ग टाइम के लिए या फिर परमानेंट हटा दिया जाता है। इसके अलावा मैं और एग्जांपल की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट की, तो आजकल जो फैशन चल रहा है कि जैसे ही किसी का बर्थडे होता है, बर्थडे के बाद चलो छोड़ो स्कूल की बात पे आते हैं, कि अगर बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आता है तो घर वालों ने उसको क्या है कि एक एंड्रॉयड मोबाइल आईफोन दिला दिए, कुछ भी दिला दिया, बच्चा बड़ा खुश है, पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट मिल गया, भाई हाँ मोबाइल मिलेगा। अब जैसे ही मोबाइल आया, गेम के अंदर आजकल फैशन चल रहा है कि पबजी को इंस्टॉल कर लिया, अब बच्चा सारा दिन पबजी खेलता है। अब घर वालों ने नेक्स्ट जब कंडीशन चेक की, टेस्ट में स्कोरिंग आया, रिपोर्ट कार्ड आया, भाई देखा ये तो काम खराब हो गया, तब घर वालों ने क्या किया, उससे जैसे ही वो स्कूल से आता है तो उससे एक बार के लिए मोबाइल को छीन लेते हैं, उसको कहते हैं भी जो तेरे को स्कूल में टास्क मिली है, चाहे वो होमवर्क हो, चाहे वो याद करने का हो, चाहे कुछ भी हो, यानी कि जो काम तेरे को मिला है जब तक तुम वो नहीं करेगा तब तक क्या करेगा, क्या किया जाएगा, तेरे को मोबाइल नहीं दिया जाएगा। यानी कि इसके अंदर पहले यहाँ पर मोबाइल दे दिया, यहाँ पर क्या एक टाइम के लिए मोबाइल वापस ले लेंगे, और थोड़े टाइम बाद जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा, जो याद करना है वो कर लेगा, तब उस मोबाइल को वापस दे दिया जाएगा। इसके अंदर भी बच्चा स्कूल के अंदर शरारत कर रहा है तो टीचर ने क्या है एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, तो एक्स्ट्रा होमवर्क देना किसके अंदर आएगा पॉजिटिव पनिशमेंट के अंदर, हालांकि कोई भी बच्चा जो है एक्स्ट्रा होमवर्क लेना नहीं चाहता। और यहाँ पर जो है बच्चा सारे दिन रात पबजी में लगा रहता है और रिजल्ट क्या है उसका फेल, तो घर वालों ने जो स्टिमुलस यहाँ पे रीइन्फोर्समेंट पॉजिटिव के लिए दिया था वो यहाँ से परमानेंट हटा लिया, यानी कि उसका मोबाइल परमानेंट उससे छीन लिया कि मोबाइल तेरे काम का है ही नहीं। तो ये था पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट, नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। हालांकि स्किनर ने अपनी थ्योरी के अंदर ये माना है कि जो पनिशमेंट वाला जो पोर्शन है ये स्टूडेंट्स के काम का नहीं है, यानी कि ये काम नहीं करता, जबकि इफेक्टिव किसको माना है, रीइन्फोर्समेंट को माना है,
कि अगर उसको पनिशमेंट देंगे तो हो सकता है उसके मन में ऐसी नफरत पैदा हो जाए स्टडी को लेकर, भी स्कूल में टीचर्स मारेंगे, घर पे पेरेंट्स डांटेंगे, मुझे चीज़ें ला के नहीं देंगे। तो स्किनर ने इस चीज़ को इफेक्टिव नहीं माना, जबकि किसको माना है, री इन्फोर्समेंट को इफेक्टिव माना है। तो ये थी आज की वीडियो, स्किनर की जो बेसिक कंसेप्ट है, जो स्किनर की थ्योरी के जो मेन बेस हैं, री इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।